कई बार बच्चे पेंटेन साइक्लोपेंटेन में, ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन में, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन में अंतर नहीं कर पाते हैं, उनके फॉर्मूले में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी ढंग से नहीं बना पाते हैं, तो उसी को हम शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। सबसे आसान भाषा है, मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ सुनील गुड़ियाल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए, हमने जो शोक रखा है, एक तरफ मैंने लिखा है पेंटेन, एक तरफ लिखा है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन का जो फॉर्मूला है ये क्या है, C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और साइक्लोपेंटेन का क्या है, C5H10। पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 कैसे आया आपको पता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। यहाँ पे पेंट, पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं, 5, तो हमने क्या रखा एन की जगह 5, C5H2 × एन की जगह फिर 5 आ गया +2, तो ये कितना हो गया C5, और 5 × 10 = 12 H12। यहां से क्या है, हमारा पेंटेन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब जब हम साइक्लोपेंटेन देखते हैं, ये फॉर्मूला किसकी तरह दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला पेंटीन का दिख रहा है, किसका दिख रहा है, पेंटीन। बोलो सर कैसे दिखेगा पेंटीन का, तो पेंटीन एल्कीन के फॉर्मूले उसको रखते हैं, CnH2n में जब एन की वैल्यू हम 5 रखेंगे, पेंट की मतलब 5 कार्बन आइटम है उसमें, तो कितना आएगा C5H2 × 5, n = 5, तो क्या आ गया C5H10। ये देखिए पेंटीन का भी C5H10 है और साइक्लोपेंटेन का भी क्या है, C5H10 है, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, तो इसे समझने का हम आज प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये मेरे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका जो है स्केलेटन खोल दिया है, स्केलेटन स्ट्रक्चर का बना दिया है। ठीक है, यहां आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, और ये सभी कार्बन क्या है, उस अपने सराउंडिंग हाइड्रोजन से पूरे पैक हो रखे हैं, इनकी वैलेंसी पूरी हो रखी है। अब आप देखिए यहां पे 5 कार्बन हो गए और 12 हाइड्रोजन हो गए। अब इसी को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा बेंट करके लिख दिया है। ये वाला कार्बन मैंने कहां लिख दिया, ये वाला नंबर 1 दे, देखिए आप नंबर 2 वाला, ये भी नंबर 2 है। इस कार्बन के पास, इसके सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन है, इसके सराउंडिंग भी 3 है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तीसरा वाला मैंने ऊपर लिख दिया, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। चौथा वाला देखिए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। पांचवे वाले के पास 1, 2, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। अब यहां पे आएगा खेल। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक ही है। मैंने बस इनको क्या कर दिया है, इसको मोड़ दिया है, ये 3 ऊपर ले गया और 2, 4, 1, 3 ये आपने सामने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, साइक्लो का मतलब क्या होता है, यहां पे ये जो वर्ड आया है साइक्लो, ये होता है चक्रीय, मतलब इस वाले में सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इस वाले में आप देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ा नहीं है, बाकी सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो साइक्लो जब हम बनाना है उसको, तो ये वाले कार्बन भी हमने आपस में जोड़ने हैं। तो ये वाले कार्बन कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, आप देखिए यहां एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। क्या अभी ये जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ेगा। इस वाले कार्बन की भी देखिए पूरी वैलेंसी हो रखी है, इस वाले की भी वैलेंसी क्या हो रखी है, पूरी हो रखी है। ये 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है और 4 इसने इनसे ले रखे हैं, 8 पूरे पैक हैं, इसके पास भी कोई जगह खाली नहीं है, इसके पास भी कोई जगह खाली नहीं है। तो अगर हमने इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है तो पहले जगह खाली करनी पड़ेगी। जगह खाली कैसी होगी, ये हाइड्रोजन हमको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। अब यहां पे भी इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, उसने इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने भी इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना इसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां देखिए अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया है। जब जगह खाली हुई तब जाके ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और आपका बन गया साइक्लोपेंटेन। यहीं से वो 2 हाइड्रोजन कम हुए, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10। यही ध्यान रखना है आपको। अब हम प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन में अंतर समझते हैं। जैसे पहले हमने पेंटेन और साइक्लोपेंटेन में समझा, उसी प्रकार से इसमें समझने का प्रयास करते हैं। प्रोपेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, कैसे आया, एल्केन से आया, एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है। और साइक्लोप्रोपेन का क्या है, C3H6। साइक्लोप्रोपेन के साथ साथ ये फॉर्मूला किसका है, प्रोपीन का, किसका है, प्रोपीन। तो यहां पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले ये है प्रोपेन का, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3,
ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्बन आपस में मिले हुए हैं लेकिन पहला कार्बन तीसरे कार्बन से नहीं मिला है, ठीक है। तो साइक्लो में क्या होता है, ये पहले वाला तीसरे वाले से भी मिल जाता है, मतलब एक रिंग बना देता है। आप देखिए एक चक्र बना रहा है, पूरा साइकिल बना रहा है, इसे बोलते हैं साइक्लो, राइट। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैंने अभी बनाया है प्रोपेन का, किसका बनाया है प्रोपेन। ये साइक्लो प्रोपेन कब बनेगा, जब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, अब ये प्रोपेन है तो कैसे जुड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कार्बन की क्या है, सारे चारों जो इलेक्ट्रॉन है इन चारों से पैक हो रखे हैं, जगह खाली नहीं, इसके पास जगह खाली नहीं है, तो ये कब जुड़ेंगे आपस में, जब इसके पास जगह खाली होगी। इसकी जगह कब खाली होगी, जब इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ये वाला हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन चला गया, जो हाइड्रोजन चले गए तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन बच गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये बॉन्ड, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या क्या हुआ, दो हाइड्रोजन कम हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर समझने का हम प्रयास करते हैं। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन का क्या है, C6H12। मैं पहले कह चुका हूं आप हेक्सेन का फॉर्मूला एल्केन के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हेक्स मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, छह। तो जो हेक्सेन का जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी, सीधी कार्बन श्रृंखला बन रही है, आप देख रहे हो इसमें कितने कार्बन है, छह, और सभी कार्बन एक दूसरे मिले हुए किसको छोड़ के, एक और छह, ये दोनों आपस में नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है स्ट्रक्चर, यही मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह चेंज कर दी है, लेकिन फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, हेक्सेन का ही है। देखिए ये पहले वाला, ये पहले वाला, इसके अराउंड कितने, तीन हाइड्रोजन है, यहां भी तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। सिमिलर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठवा, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, इसका डिजाइन बदल दिया, यहाँ सीधा था और यहां मैंने सर्किल में इसको बना दिया है, लेकिन अभी भी क्या है, ये हेक्सेन है। अब ये साइक्लोहेक्सेन कब बनेगा, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ने चाहिए। अभी जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इनका कार्बन का ये ऑक्टेट पूरा है, ये इलेक्ट्रोटिप ऑक्टेट पूरा है, इसको जुड़ने के लिए आपस में जगह नहीं बची है, मतलब इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसे जोड़ेंगे, उसको वैसे ही जोड़ेंगे जैसे पहले जोड़ा, यहां से ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, अब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया एक कार्बन का, अब यहां भी सेपरेट होना चाहिए, माना यहां तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, किसके साथ जुड़ेगा जब तक दूसरा सेपरेट नहीं हुआ, तो यहां से जब ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां बच गया, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इस प्रकार से बॉन्ड बनाएंगे। अब ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, यहां से ये दो हाइड्रोजन कम हुए, जिसलिए जिस कारण इनका फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12। साइक्लो का मतलब वही, यहां एक चक्रीय साइकिल बन रही है, आप देख रहे हैं सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप देखिए जैसे ये है, माना एक नंबर वाला, ये दो हाइड्रोजन हमने यहाँ शो कर दिए, दो वाले पे एक हाइड्रोजन अंदर शो किया था, एक बाहर किया था, यहाँ हमने दोनों बाहर शो कर दिए, ये भी हमने दोनों बाहर कर दिए, यहाँ पे भी दोनों बाहर शो कर दिए, यहाँ पे भी दोनों बाहर शो कर दिए, यहाँ पे भी दोनों बाहर शो कर दिए हैं, तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। अगर जब हम इस फॉर्मूला को हेक्सीन लिखेंगे तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तब उसका स्ट्रक्चर ये होगा, हेक्सीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहां आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह मतलब हेक्स, और डबल बॉन्ड मतलब सफिक्स में क्या रहेगा, इन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो आपने प्रश्न में ये देखना कि पूछा क्या है, साइक्लोहेक्सेन पूछा है, फॉर्मूला तब भी ये आएगा, अगर हेक्सीन पूछा है फॉर्मूला यही आएगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, अंतर होगा।